जमीर ने कहा, अबू साले तुमने ये भी नहीं पूछा ये है किसका, हालांकि बहता हुआ आ रहा था, शरीयत ने रुख्सत भी दी है, मगर कहा नहीं, मेरा तकवा इस बात की इजाजत नहीं देता। देखने लगे ये आ किधर से रहा था, तो नजर दौड़ाई तो कुछ दूरी पर आपको बाग का जो सेब का बाग था, उसके उस बाग के दरख्त जो थे उसकी टहनियां पानी की तरफ झुकती हुई नजर आईं। देखते देखते बिल्कुल बाग के करीब पहुंचे, दिल ने कहा हो ना हो वो सेब इसी बाग का था। अंदर पहुंचे तो एक बुर्गजीदा शख्सियत, चेहरे से तकद्दस की लकीरें झलक रही हैं, पेशानी जो है वो पाकीजगी और शराफत का नुमाया मजहर बनी हुई है। जाकर के सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, कहा बेटा बताओ कैसे आना हुआ है। कहा बाबा जी माफ करना, हमने आपके बाग से गिरा हुआ एक सेब आपकी बगैर मर्जी के तनावुल कर लिया। वो जो बुजुर्ग था उसे भी एक अच्छे दामाद की तलाश थी। सुभान अल्लाह सुभान, वो आज पूरी हो गई। ऐसा नेक सीरत, न सूरत का जवाब और सीरत ऐसी कि एक सेब बगैर इजाजत के खा लिया तो आया है मेरे पास तो इसलिए कि जो चाहो सजा दुनिया में ही दे दो, कयामत के दिन दामन न पकड़ना। देखें ये होते हैं अल्लाह वाले, एक सेब बगैर इजाजत के खा लिया तो कह रहे हैं जो सजा देना हो यहीं पे तजवीज कर ले, कयामत में दामन ना पकड़ना। हम लोग तो सो सो गज के प्लॉट खा जाते हैं, डकार तक नहीं लेते। ये हंसने की नहीं रोने की बात है। मैंने तारीख हिंद में ये बात पढ़ी कि पहले के मुसलमान ऐसे अमानतदार ईमानदार होते थे कि गैर मुस्लिम हजरात जब अपनी फैमिली को विजिट पे लेके जाते, सफर पे लेके जाते, घर में ताला डालना होता तो वो घर के मकान की चाबी किसी अपने धर्म वाले को देकर नहीं जाते थे, खानदान वाले को दे के नहीं जाते थे, मुसलमान को दे के जाते थे। ये मैंने खुद पढ़ा भाई। उन्हें भरोसा होता था गद्दारी और अमानत में खयानत कोई भी कर सकता है, मोहम्मद अरबी का उम्मती नहीं कर सकता। बेशक सुभान अल्लाह। और आज अगर दे के चला जाए चाबी तो खत्म हो जाएगा, और ये बता के चला जाए कि इसमें 3 ड्रम मेंथा का तेल रखा हुआ है, रोने का मकाम है ये, हंसने का नहीं, रोने का मकाम है। गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया ने जमी पर हमको दे मारा, हैदरी फिक्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमा होकर और आज हम खार हुए तारीख कुरान होकर, दरस कुरान जो हमने ना भुलाया होता तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। मियाँ तादाद से कुछ नहीं होता, ईमान की ताकत से सब कुछ होता है। लोग तुम्हारे किस्से और तुम्हारी कहानियां अपनी बैठकों में और अपनी महफिलों में सुनाया करते थे, आज किस बात के किस्से। मुझे एक काम बता दो, जो बुरा काम हो और मुसलमान ना कर रहा हो, एक काम बताओ मुझे, शराब का मैदान ले लो, मुसलमान आपको सरे फहरिस्त नजर आएगा, जुए पे आ जाओ, डकैती पे आ जाओ, चोरी पे आ जाओ, मुझे बताओ, सूद पे आ जाओ, कौन सा बुरा काम है जो मुसलमान नहीं कर रहा है। अगर उनकी रहमत न हो दरमियान में, अभी आग लग जाए सारे जहां में। ये तो सदका है हुजूर का जो अजाब नहीं है, वरना कौन सा काम है बताओ मुझे। किसी पे चंद पैसे हो गए तो उसे गरीब आदमी इंसानी नहीं लग रहा, वो तो कीड़ा मकोड़ा समझ रहा उसे। ऐसी नुमाइशों की शादियां हो रही है कि रोने को जी चाहता है। हमारे ये मौलाना आफ्ताब साहब जानते हैं, हमने बड़ी कोशिश से अपने तौर पे मीटिंग वगैरह की, पंचायत की, हम भी उसका हिस्सा थे, की तो और लोगों ने थी मगर हम भी थे उसका हिस्सा, लेकिन लोगों ने तोड़ दी उस पंचायत को, चलने ही नहीं दिया, जबकि 2 साल चली, 2 साल में हमने उसका प्रॉफिट जोड़ा, फायदा जोड़ा तो कई करोड़ों में था, नहीं हुई हजम लोगों को। जिस पे चंद पैसे हो जाते हैं वो नुमाइश पे उतर आता, वो यही भूल जाता है कि बंद की वक्त मुट्ठी में क्या है कोई नहीं जानता। आज तू अमीर है, कल को अगर कटोरा हाथ में आ गया तो क्या करेगा। हुजूर ने तो फरमाया, बल्कि मैं कहूंगा मेरे हुजूर ने जो शादी का निजाम दिया है दुनिया में कोई देके तो दिखाए। जिंदगी के हर शोबे के लिए हमारे हुजूर ने ऐसे रहनुमा उसूल दिए जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन जिम्मेदार कौन है अपनी तबाही के, हम ही तो हैं। हमने छोड़ा अपना निजाम, वलीमा था खाने की शक्ल में, वलीमा खत्म हो गया, पता नहीं और क्या क्या चीजें हमारे यहां दाखिल हो गई। किसी के पास अगर 4 बेटियां हैं, रातों को नींद नहीं आती उसे,
कैसे शादी करूंगा अपनी चार बेटियों की मैं, किस तरीके से उनके हाथ पीले करूंगा, अमीरों की नुमाइश देख के मियाँ इतना ही कर लो कि अपनी नुमाइश ही बंद कर दो, इतना ही कर लो कि उन गरीबों का दिल दुखाना बंद करो। तुम मालदार हो, तुम्हारे तेरे चचेरे मुमेरे फुपेरे तुम्हारे सब रिश्तेदार मालदार हैं क्या? क्या तुम्हें सिर्फ अपनी मालदारी का घमंड है? मियाँ गुजरे जो अपनी फिक्र में, जिंदगी क्या है, किसी के काम ना आए वो आदमी क्या है? हुजूर से ज्यादा दौलतमंद कौन हो सकता है? हुजूर ने फरमाया, आयशा मैं चाहूं तो मेरे दाएं बाएं सोने के पहाड़ चलने लगे, मगर बेटी की शादी की तो ऐसा गद्दा दिया जिसमें खजूर की छालें भरी हुई थी, चलाने वाली हाथ की चक्की दी। हुजूर चाहते तो जन्नत से क्या कुछ न दे सकते थे? सब कुछ दे देते हुजूर, मगर अपनी बेटी को वसी, अपनी बेटी को नसीहत की बेटी फातिमा, शौहर का कहना अल्लाह अकबर, और हर हाल में सब्र करना। यहां तक कि एक मौके पर मौला अली शेरे खुदा के कहने पर जब फातिमतु जहरा खादिमा लेने आ गई तो हुजूर ने मना फरमा दिया, कहा बेटी मैं खादिमा तुम्हें नहीं दूंगा, नौकरानी नहीं दूंगा। इसके पीछे मंशा यह था कि तुम्हें अगर नौकरानी दे दूं तो बाकी गरीब उम्मतियों की बेटियों के लिए मैं क्या दूंगा। हुजूर ने गोया के ये जहन दे दिया कि बेटी फातिमा तुम सब्र करो, तुम्हें मैं दुनिया का खजाना तो नहीं देता मगर जन्नती औरतों की सरदार बनाता। हमारे हुजूर ने हजरते फातिमतु जहरा को जन्नती औरतों का सरदार बनाया। बोलो जोर से, बोलो जोर से, बोलो। मगर खाली हाथ भी वापस नहीं भेजा, फरमाया बेटी दिन भर काम करती हो, मेरी माए बहनें मेरी बेटियां सुन रही हैं, उनको भी बताना चाहता हूं, इसको तस्बीह फातिमा कहते हैं। यह हदीस ज़ईफ नहीं है बल्कि मोतबर है। हुजूर फरमाते हैं, ए मेरी बेटी फातिमा तुम एक काम किया करो, दिन भर काम करती हो थकान हो जाती है, एक काम यह किया करो 33 मरतबा सुबहानअल्लाह पढ़ा करो, और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। तुम भी अपनी बच्चियों को यह तस्बीह सिखा दो ताकि वो दुल्हन बन के जब अपने शोहर के घर पे जाएं तो अपने ससुराल वालों को, बच्चों को, बच्चियों को तस्बीह फातिमा सिखा दें, ताकि बच्चे अगर पैदा हो बेटी की शक्ल में पैदा हो तो वो कनीज़े फातिमा जहरा बन के चमके, और अगर बेटे की शक्ल में पैदा हो तो गुलामे हुसैन बन के चमके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चला गया हमारा निजाम यार, रोने को जी चाहता है। हमारे घरों में वो दौर ही खत्म हो गए जब दादियां करबला की दास्तान सुनाया करती थी हमें। खुद ध्यान है, हमारी दादी बाहयाती हम छोटे थे, खूब ध्यान है गौसे पाक की करामतें सुनाती थी। अब तो पता नहीं दौर कैसे आ गया, अब तो माओ के पास बाज़बाज़ जगह खून जिगर पिलाने को टाइम नहीं है कि खून जिगर पिलाएंगे तो सेहत गिर जाएगी, जबकि माँ का दूध माँ का दूध होता है। न उतरे तो मजबूरी है, वरना उतरे तो डॉक्टर हजरत भी ये कहते हैं माँ के दूध में जो विटामिन है वो डिब्बे के दूध में नहीं है, वो किसी में नहीं है। मजबूरी की बात अलग है, भी उतर नहीं रहा तो एक अलग मजबूरी हो गई। कैसा दौर आ गया साहब, अब तो बच्चे रोते हैं तो माँ बाप इशारा कर रहे थे हमारे मौलाना आफ्ताब साहब, मैंने बड़े दिनों के बाद तकरीर सुनी, खुदा की कसम दिल खुश हो गया, बड़े दिल के साथ इन्होंने तकरीर की, बड़ी कीमती बातें बताई। इशारा कर रहे थे इसी तरफ कि बच्चे रोते हैं तो माएं उनके सामने मोबाइल रख देती हैं ताकि बच्चों की निगाहें कमजोर हो जाए। तुम्हें अंदाजा है कितना नुकसानदेह है ये, हालांकि हम भी इस्तेमाल करते हैं मगर हमें भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा नुकसानदेह चीज है ये। जरूरत भर करो अपने ठीक है, मगर वो बच्चे जिनकी कैपेसिटी दिमाग की बहुत कमजोर होती है, आइस पावर वैसे ही वीक होती है, उनके सामने मोबाइल की शुआएं जब उनके आंख के जरिए से ब्रेन में पहुंचेंगी बच्चों का दिमाग कमजोर हो जाएगा। फिर कैसे छुपाओ बच्चों को? बच्चों को उस तरह से छुपाओ जिस तरह से गौसे पाक की अम्मी जान उम्मुल खैर फातिमा छुपाया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे रात को अगर ना सोएं परेशान करें तो क्या करो? फातिमतु जहरा की सुन्नत सुनाओ, कुरान मजीद की आयतें, बोलो जोर से, बोलो जोर से, बोलो सुनाओ कुरान मजीद की। वो भी तो बच्चे थे दो, और उन बच्चों की माँ की तरबियत देखें। जंगे बद्र में, जंगे बद्र की बात बता रहा हूं मैं, इस्लाम की पहली जंग है। यहां ये भी कह दूं, लोग सोचते हैं इस्लाम मिट जाएगा, फुला साहब कुर्सी पे बैठे इस्लाम मिट जाएगा। मैंने कहा बड़े बड़े फुला फुला साहब आ गए, नमरूद और फिरौन हामान शद्दाद जैसे लोग आ गए, अबू जहल से बड़ा फुला साहब थोड़ी है कोई। अबू जहल इस्लाम को ना मिटा सका तो ये अबू जहल के चमचे इस्लाम को क्या मिटाएंगे यार? वो तो हम लोग गलत हैं, इस्लाम को कौन मिटा सकता है? इस्लाम न किसी मौलाना का मोहताज है, न किसी पीर फकीर का, न किसी अमीर का, हम सब इस्लाम के मोहताज हैं।
मेरा अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस आयत को जहन में बिठाओ, अपने आप को बचाने की कोशिश करो। रही बात इस्लाम की, तो इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह ताला है। आज भी लाखों लोग कलमा पढ़ रहे हैं यूरोप में, दुनिया भर में, तो क्या किसी मौलाना की तबलीग से पढ़ रहे हैं? अच्छी बात है, किसी को अल्लाह जरिया बना रहा, माशाल्लाह अल्लाह ताला शादो आबाद रखे, उम्र में बरकतें अता फरमाए। लेकिन सच्ची बात यह है, अगर दुनिया में इस्लाम फैल रहा है तो ये अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे फैल रहा है। जो कुरान का तर्जुमा पढ़ता है या कुरान से रोशनी हासिल करता है, नियत होती है कुरान में कमी निकालूंगा, मगर जब कुरान का खत्म करके फारिग होता है तो दिल से कुफ्र के अंधेरे निकल जाते हैं।